कल तुमसे तुम्हारे घर वाले मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम जितनी देर चाहो उनसे बात कर सकते हो। हम ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के जरिए सदर तक बात पहुंचाएंगे। देखिए भाई साहब, हमारे हैं, फिर आकर आपसे बात करते हैं। ऐसी कड़वी बात सुनना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरी जिंदगी से उम्मीदें उठा चुकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठी हो, बैठी हो। अरे खड़ी क्यों हो गई हो? हाँ दिल तो करता है कि खड़े खड़े तुम्हें सदियां देखता रहूं। मगर मेरे ख्याल से ये किसी पुरानी फिल्म का डायलॉग है। ना ना, पुरानी फिल्में मुझे जहर लगती है, क्योंकि उन फिल्मों में तो जरा सी भी बेहयाई नहीं होती। क्या बात, अरे ये खुशबू तो बड़ी कमाल की है। जेलर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, नहीं अच्छी खुशबू। तुम्हारी खुशबू का नशा मैं अब तक नहीं भूला है। तुम्हारी याद मुझे बहुत तड़पाती रही। फौजिया का वक्त कब शुरू होगा? वो तो चली गई है। क्या, वो चली गई? लेकिन क्यों? आप आ जाएं बस, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छी खुशबू। के सिवा कोई और दूसरी बात नहीं सोचती।
आ सकती है तो सिर्फ राफी आंटी की माफी है। मगर कमाल, अम्मी जान वहां नहीं जाना चाहती। तुम कोशिश तो करके देखो। मगर कैसे? कैसे? हाँ, हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा साहब हैं तो दूर के रिश्तेदार, लेकिन सारे घर वाले ना उनकी बात बहुत मानते हैं। तुम मुझसे जाके बात करो। कमाल, में चली तो जाऊंगी मगर अम्मी जान नाराज हो जाएंगी। नहीं होंगी, तुम उनको कह देना कि मैंने तुम्हें जा सकती है, ठीक है? चलो सही, मैं जाती हूँ। कोई बात नहीं अंकल, आप हैं मेरे लिए यही काफी है, और वैसे भी मैं आपसे ही मिलने आई थी। हाँ हाँ, कहो कैसे आना हुआ? चाचा, मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। उम्मीद? हाँ हाँ, कहो। लेकिन बेटा, पैसों की बात मत करना। नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक आप ही हैं जो मेरे कमाल की जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन बेटा, वो कैसे? आंटी रफी कमाल को माफ कर दे तो कमाल को माफी मिल सकती है, और अगर आप आंटी रफिया से बोलेंगे तो वो कमाल को जरूर माफ कर देंगी। आप रिश्तेदारों को लेकर जाइए ना उनके पास मिन्नत समाजत के लिए। और चाचा, वैसे भी जो हुआ सो हुआ, आप कोई वापस तो नहीं आ सकता ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रफिया से जरूर बात करूंगा। लेकिन बेटा, मेरी भी एक शर्त है। नहीं नहीं, शर्त नहीं है, एक छोटी सी गुजारिश है। जी चाचा, हुक्म करें, बताइए मुझे। मैं चाहता हूँ मैं इस बेचारे की जिंदगी खुशियों में बसर हो जाए, इसको कुछ सहारा मिल जाए। अगर तुम्हारी नंद सलमा का रिश्ता इससे हो जाए ना, तो इसकी परेशान जिंदगी में मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, और हमारे बाद इस नॉर्मल बच्चे का कौन होगा, कौन संभालेगा इसको? चाचा, अगर अम्मी जान और सलमा ना मानी तो? अगर बेटा ये काम हो जाए, मैं तुम्हारे काम जरूर आ सकता हूँ, जरूर आ सकता हूँ। भाभी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे घर से बाहर लेकर आई हैं? सलमा, मैंने सोचा घर के बजाय तुमसे बाहर आकर बात करूं। सलमा, कमाल की जिंदगी बचाने के लिए अगर तुम्हें कोई कुर्बानी देनी पड़े तो? नहीं, मैं उस कमीने जेलर के पास नहीं जाऊंगी। नहीं, बात कोई और है, तुम सुनो तो सही। क्या तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहती हो? भाभी, क्या करना है खुलकर बताएं। अंकल शहाब आंटी रफिया को मना सकते हैं और वो माफी दे देंगी, मगर शहाब ने एक शर्त रखी है। अम्मी जान ने इनकार तो नहीं किया, मगर उन्होंने हाँ भी नहीं की, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इनकार कर दोगी? भाई जान को बचाने में मैं पूरी कोशिश करूंगी। अंकल शहाब कह रहे हैं कि अगर तुम, वो उनका बेटा है ना, अगर तुम उससे शादी कर लो तो। आज का टीवी
सब्सक्राइब करो। मिल